हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल लर्न इंग्लिश विद भावना मिश्रा पांडे तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम द लेबर्नम टॉप जो कि आपकी हॉर्नबिल बुक से ली गई है एंड इसको कंपोज किया है एडवर्ड जेम्स ह्यूज ने एंड इनको जाना जाता था टेड ह्यूज नाम से जो कि आपकी बुक में दिया गया है टेड ह्यूज और इनका नेम था एडवर्ड जेम्स ह्यूज सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से वॉट इज़ लेबर्नम एज मैंशनड इन द पोयम द लेबर्नम टॉप तो लेबर्नम क्या है जो कि आपकी पोएम लेबर्नम टॉप में मैंशन किया गया है इन द पोएम द लेबर्नम टॉप बाय द पॉइंटेड ह्यूज लेबर्नम इज अ कॉमनली फाउंड ट्री एक ट्री है जो कि आमतौर पर पाया जाता है विद येलो फ्लॉर्स इसके फ्लार्स जो होते हैं विद येलो होते हैं दैट हैंग इन द ब्रांचेस जो कि ब्रांचेस पे टंगे हुए होते हैं एंड जो इसके सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं तो क्वेश्चन नंबर टू अकॉर्डिंग टू यू व्हाट द लेबर्नम स्टैंड फॉर इन द पोयम लेबर्नम जो पोयम में दिया गया है वो क्या सिंबलाइज करता है क्या बताता है द लेबर्नम ट्री सिम्बलाइज द पैटर्न ऑफ आर लाइफ इन जनरल आमतौर पे हमारा जो जीवन है उसके बारे में बताया गया है लाइफ इज सीमिंगली डल एंड इन एनिमेट लाइफ कैसी है अगर देखा जाए तो बहुत डल है इन एनिमेट है इन एनिमेट का मीन्स होता है निर्जीव एक तरह से सो बट इट इज द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स लाइफ लेकिन ये एक इंसान का एटीट्यूड ही है कि वो उसको कैसा बना देता है मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग तो

द पोएम द लेबॉनम टॉप बिगन्स विद एन इमेंस सॉलीट बहुत ज्यादा सोलिट्यूड का मींस होता है शांति लोनलीनेस द वेरी टॉप ऑफ द लेबोनम ट्री इज काम एंड साइलेंट विद द फॉलिंग येलोइश सन लाइट इन अ सोलम आफ्टरनून ऑफ सेप्टेंबर तो पोएम की जो शुरुआत है वो कैसे होती है ट्री जो है वो बहुत ही काम एंड क्वाइट मतलब बहुत ज़्यादा साइलेंट पोजीशन में खड़ा है उस पर येलो कलर की सनलाइट येलो सनलाइट पड़ रही है आफ्टरनून का टाइम है सेप्टेंबर का मंथ है एंड ऑटम सीजन है ट्री इज स्टैंडिंग विद द रिमेनिंग अ फ्यू डल येलो लीव्स एंड जो ट्री है उसमें बहुत थोड़ी सी बची हुई पत्तियां हैं जो कि येलो हो चुकी हैं एंड उसके सीड्स जो हैं वो पहले ही गिर चुके हैं एंड उसमें येलो कलर की लीव्स जो हैं वो बची हुई हैं सो so, क्वेश्चन नंबर 4 what does स्टार्टल द साइलेंट ब्रांचेस ऑफ द laburnum ट्री What डज इट सिम्बलाइज तो पोयम में यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ऐसी चीज़ है जो साइलेंट ब्रांचेस को स्टार्टल कर देती है शॉक कर देती है अमेजिंग बना देती है उसको क्या ऐसी चीज़ है जो उसको आश्चर्यचकित कर देती है एंड ये किस चीज को सिंबलाइज़ करता है मींस किस चीज़ का प्रतीक है सो द वाइल्ड स्मॉल एंड येलो बर्ड गोल्ड फिंच जो येलो कलर की बर्ड है छोटी सी प्यारी सी बर्ड जो है और जो की वाइल्ड है वाइल्ड मीन्स जंगली इधर उधर जंगलों में रहने वाली तो जो गोल्ड फिंच बर्ड है उसको शायद हिंदी में कहते हैं चिरैया है, तो ट्री अपनी साइलेंट ब्रांचेस को स्टार्टल कर देती है अचंबित कर देती है आश्चर्यचकित कर देती है शॉकिंग वे में ला देती है इट्स सडन चर्पिंग साउंड ब्रेक्स द साइलेंट और इसकी साइलेंस तो इसकी जो सडनली अचानक से जब वो चरपिंग करती है चहचहाहट करती है तो वो साउंड क्या करती है जो वहाँ पे चारों तरफ जो साइलेंस है जो शांति है जो चुप्पी है उसको तोड़ देती है ब्रेक द साइलेंस देन द ट्री इज फिल्ड अप विद द सीरीज ऑफ शॉट क्विक हाई पिच्ड चैटरिंग साउंड्स शेकिंग मूवमेंट्स ऑफ विंग्स और उसके बाद ट्री जो है वो भर जाता है किससे बहुत सारी आवाजों से शॉर्ट क्विक बहुत तेज हाई कभी शॉर्ट पिचड साउंड कभी हाई साउंड कभी तेज कभी कम ऐसे चैटरिंग साउंड से एंड शेकिंग मूवमेंट्स ऑफ विंग्स जब वो पंख फड़फड़ा के इस डाली से उस डाली जाती है तो क्या इन सारी चीजों से ट्री जो है वो भर जाता है मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है जो डल एटमॉस्फेयर था वो कैसा बन जाता है एंथियोजियास्टिक इट सिंबलाइजिस ये किस चीज को बताता है जर्नी ऑफ लाइफ की लाइफ ऐसी ही है एज वेल एज नॉट ओनली ह्यूमंस बट इनएनिमेट थिंग्स लाइक ट्रीज आल्सो लव टू हैव अ कंपनी तो जो पहले ट्री था वो कैसा था डेथ लाइक -like, आपकी बुक में मेंशन है ट्री जो था वो डेथ लाइक -like था लेकिन जैसे ही एज सून एज द गोल्ड फिंच बर्ड अराइव जैसे ही गोल्ड फिंच बर्ड्स वहां पे आती है ट्री क्या करता है खिल उठता है एक इंजन की तरह स्टार्ट हो जाता है एटमोस्फियर एंथ्यूजिया हो जाता है तो थीम अगर अपन बोलें या जो ये सिम्बलाइजेशन uh, की बात है तो किसको सिंबलाइज करता है कि ह्यूमंस ही नहीं इन एनिमेट थिंग्स को भी क्या चाहिए कंपनी चाहिए होती है सो टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर जो बर्ड्स की क्विक शॉर्ट ऐसी जो मूवमेंट्स हैं वो किससे कंपेयर की गई है व्हाट इज द बेसिस ऑफ द कंपैरिज़न एंड उस कंपैरिज़न का बेस क्या है आधार क्या है ट ऑफ द गोल्ड फिंच इज कम्पेयर टू दैट ऑफ स्लो मूविंग एंड अलर्ट क्रीचर लाइक जैसे कि लिजर्ड जो होती है वो स्लोली इधर उधर मूव करती है लेकिन कैसी होती है बहुत ज्यादा अलर्ट तो उससे गोल्ड फिंच की मूवमेंट को कंपेयर किया गया है मूवमेंट का मतलब है गतिविधियां जो काम वो करती है इधर से उधर उड़ने का इधर उधर देखने का वो सारी गतिविधियां जो उसकी हैं, एक्टिविटीज जो हैं, वो किससे कंपेयर की हैं? से। एक है कुछ निश्चित ऐसे आधार हैं जिसके कारण गोल्ड फिंच एंड लिजर्ड का कंपैरिजन किया गया है अब क्या है वो कंपैरिजन के बेसिस तो द कंपैरिजन इज बेस्ड ऑन द स्लीक स्लिक का मतलब होता है स्मूद एब्रप्ट यानी अचानक एंड अलर्ट सतर्कता पूर्वक यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए जो मूवमेंट करती है बर्ड वो ऑब्जर्व करती है गोल्ड फिंच इधर से उधर द मूवमेंट द मोमेंट इट अराइव ऑन द लेबरनम ट्री तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो बर्ड है वो कंपेयर की गई है लिजर्ड से सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट इज द इमेज ऑफ द इंजन ई वोक्ड बाय द पॉइंट तो पॉइंट ने यहाँ पे इंजन के इमेज से क्या बताना चाह रहा है वो हमारे अंदर इन अ वेरी सुपरफिशियल लेवल द इंजन इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी टू रन मशीन तो किसी भी मशीन को रन करने के लिए उसका इंजन उसका मेन सोर्स है मेन माध्यम क्या है इंजिन अगर देखा जाए तो इंजन के बिना मशीन रन नहीं कर सकती मशीन नहीं चल सकती दिस मैकेर ऑफ इंजन हैज दिस पोयम थ्रू द फिगर गोल्ड फिंच और इस पोयम में ये मैकेनाइजेशन किसके थ्रू ऐड किया गया है गोल्ड फिंच बर्ड के थ्रू तो जैसे ही गोल्ड फिंच बर्ड वहां पे आती है ट्री जो है वो जीवंत हो उठता है उसकी जो मूवमेंट्स हैं एंड उसके बच्चों की चहचहाहट है उसकी वजह से ट्री जो है वो एक इंजन की तरह स्टार्ट हो जाता है सो इट इज़ कम्पेयर टू बर्ड एज इट टू अ सोर्स ऑफ एनर्जी तो क्या किया गया है यहाँ पे कंपेयर किया गया है बर्ड के साथ क्योंकि बर्ड भी क्या है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द फैमिली उस फैमिली के लिए बर्ड की मूवमेंट्स जो है वो क्या है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है एज विदाउट एन इंजन जैसे कि हमको पता है के बिना किसी इंजन के कोई भी मशीन वर्क नहीं कर सकती नहीं, मशीन नॉट वर्क इन द सेम वे, वे विदाउट द बर्ड इट्स फैमिली के नॉट सर्वाइव तो उस बर्ड के बिना भी उसकी फैमिली चल नहीं सकती थी वैसे ही बर्ड को मशीन की तरह इंजन की तरह बताया गया है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज

जिन जो कि काम करती है एक इंजन के रूप में टू इट्स इंटायर फैमिली अपनी फैमिली के लिए एक इंजन के रूप में काम करती है means, का मतलब होता है एडिंग फ्यूल फ्यूल डालना ईंधन डालना जिससे कि वो मशीन चलेगी सो इन द वेरी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम द गोल्ड फिंच फीड्स इट्स फैमिली गोल्ड फिंच बर्ड क्या करती है अपनी फैमिली को फीड करती है प्रोवाइडिंग द फ्यूल दैट इज न्यूट्रीशियस वॉट द मशीन और द बर्ड्स फैमिली नीड्स टू बी एनर्जेटिक सो यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि गोल्ड फिंच बर्ड भी अपनी फैमिली को उसी तरह फीड करती है प्रोवाइड करती है फ्यूल एंड न्यूट्रीशन जैसे कि किसी भी मशीन को एनर्जी देने के लिए इंजन होता है वैसे ही यहाँ पे गोल्ड फिंच बर्ड क्या करती है वो ही मशीन का रोल प्ले करती है

तो ये जो फ्रेज है ये किसके बारे में बता रही है गोल्ड फिंच के बारे में इट मीन्स दैट द बर्ड्स बार्ड और कवर्ड फेस बिकम्स इट्स आइडेंटिटी मास्क फॉर रिकोगशन इसका मतलब ये है कि जो वो बर्ड है वो कैसी है वो येलो कलर की है एंड वो अपने आप को हाइड कर लेती है कहाँ पे येलो फ्लावर्स में लेबोनम ट्री जो है उसके फ्ला उसके फ्लावर्स कैसे हैं येलो एंड उसकी लीव्स जो है वो ऑटम सीजन की वजह से येलो हो चुकी हैं और जो बर्ड है इट्सल्फ कैसी है येलो कलर की लेकिन उसका जो फेस है फेस कैसा है फेस पे स्ट्राइप्ड फेस है उसका यानी कि उस पर स्ट्राइप है ब्लैक कलर की इसलिए वो क्या करता है वो उसका आइडेंटिटी मास्क बन जाता है उसके आइडेंटिटी रिवील करता है वो आप इस पोयम इस वीडियो के कवर पेज पे देखेंगे वहां पे लेबानम ट्री का भी एक पिक हमने लगाया है एंड जो वो बर्ड है गोल्ड फिंच बर्ड उसका भी तो वहां से आप देख सकते हैं उस पर एक स्ट्राइप है फेस पे जो कि उसका आइडेंटिटी मास्क है रिकग्निशन के लिए उसको जानने के लिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन वट सिमिलैरिटी डू यू परसीव अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम तो क्या सिमिलैरिटी हम देखते हैं पोयम की बिगनिंग और एंडिंग दोनों में अ वेरी नॉट वर्दी सिमिलैरिटी हैज़ बीन परसीड रिगार्डिंग द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम तो एक बहुत ही शानदार हमको सिमिलैरिटी नज़र आती है चाहे वो बिगनिंग हो या वो एंडिंग हो दोनों में इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द पोएम द ट्री इज काम एंड साइलेंट तो स्टार्टिंग अगर हम देखते हैं शुरुआत में हम देखते हैं तो जो ट्री है वो बहुत ही काम है क्वाइट है साइलेंट मोड पे है एंड इन द एंड इट अगेन इज गेटिंग और अगर लास्ट में हम पोएम के देखते हैं तो वो कैसा है सबसाइडेड विद मोशन लेस यानी कि उसमें सब कुछ खत्म हो गया है वो बहुत ही स्टिल है मोशनलेस मतलब विदाउट एनी एक्टिविटी स्टिल है

वो क्या एक आइडिया देता है किसके बारे में पूरी पोयम किसके चारों ओर घूमती है उसी ट्री के चारों ओर द होल एक्शन इन द पोयम इज रिवॉल्विंग अराउंड अराउंडम ट्री इट सेल्फ इट इज लाइक द पी वॉट पी वॉट आप जानते हैं क्या होता है मेन चीज मतलब आपने कुकर देखा है कुकर में जो उसका ढक्कन होता है लिड होता है उसको सपोर्ट करने के लिए नीचे का जो भगोना टाइप जो भी है उस पर एक डंडा जैसा कुछ खड़ा रहता है जिसके सपोर्ट से उसका ढक्कन तो वो पी होता है ओके okay? तो पी का मतलब मेन चीज इट इज लाइक कौन लबानम ट्री इज लाइक अ पी की सिचुएशन में है वो uh, उसमें क्या इन विच लिव्स ऑफ द लाइव्स ऑफ द बर्ड्स आर सर्कलिंग अराउंड तो वहां पे क्या है बहुत सारे बर्ड्स बहुत सारे कौन से हुए गोल्ड फिंच बर्ड खुद एंड उसके बच्चे तो उनका जो वहाँ पे रहना एंड उनकी मूवमेंट्स uh, जो हैं वो वहाँ पे हैं द ट्री इज द कॉन्फ्लुएंस वेयर बोथ द बिगनिंग एंड एंडिंग आर गेटिंग मिंगल्ड विद ईच अदर अब कॉन्फ्लुएंस का मीन्स होता है uh, दो या दो से ज्यादा चीज़ें अगर एक साथ मिल जाएं, ओके okay? तो यहाँ पे क्या है ट्री क्या कर रहा है एक साथ मिल रहा है कहाँ पे चाहे वो आप उसकी बिगनिंग देखो चाहे आप उसकी एंडिंग देखो दोनों एक साथ मिंगल का मीन्स भी एक साथ मिला हुआ होना तो एंडिंग देखो अगर आप उसकी चाहे आप उसकी शुरुआत देखो बिगनिंग देखो दोनों एक जैसी हैं मिली जुली हैं कैसे एट द वेरी बिगनिंग द पोयम डिस्क्राइब्स द लेबान ट्री हुज सीड्स नॉट हैव नॉट ओनली फॉलन बट ऑल्सो द लीव्स हैव टर्नड येलो तो बिगनिंग में जो पोएम स्टार्ट होती है वो क्या डिस्क्राइब करती है जो लेबानम ट्री है जो अमल टास्क का जो पेड़ है उसके सीड्स ही नहीं गिरे हैं उसके सीड्स ऑलरेडी गिर चुके हैं लेकिन उसकी पत्तियां भी साथ साथ येलो हो चुकी हैं क्योंकि ये कौन सा मंथ है ये जो मंथ है ये है पतझड़ यानी ऑटम का मंथ है इसलिए पत्तियाँ जो हैं वो येलो हो चुकी हैं आफ्टरनून का टाइम है सेप्टेंबर का मंथ है एंड जो ट्री का टॉप है ऊपर की साइड क्या नज़र आता है बिल्कुल साइलेंट है जब तक कि वहाँ पे गोल्ड फिंच बर्ड्स अपीयर नहीं होती तब तक क्या है वो बिल्कुल काम एंड क्वाइट है साइलेंट है एज सोन एज जैसे ही द गोल्ड फिंच अपीयर्स दैर इज अ सडन स्ट्रोंग ट्रैमर इन द ट्री ट्री क्या करने लग जाता है शेक करने लग जाता है हिलने लग जाता है एक तरह से देयर आर नॉइजेस ऑफ ट्विचिंग और वहां पे किस चीज का शोर है ट्विचिंग का यानी चहचहाहट है पंख फड़फड़ाने की आवाजें हैं बर्ड्स आपस में बातें कर रहे हैं यानी कि मदर अपने बेबी से बातें करती होगी तो ये सारी वॉइसेज़ वहां पे हैं इट इज द स्टिमुली व्हाट लेड द एंटायर ट्री टू ट्रैम्बल और यही एक चीज है एक स्टिमली है जो कि पूरे ट्री को क्या कर देती है एक तरह से ट्रैम्बलिंग शेकिंग पोजिशन में ला देती है आफ्टर द कलेक्शन ऑफ फूड द गोल्ड फिंच विद इट्स एंटायर फैमिली और फूड कलेक्ट करने के बाद गोल्ड फिंच बर्ड जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ इट अगेन लॉन्चेज इट्सल्फ इन द स्काई और जब बाद में क्या होता है जब वो बर्ड आती है वहाँ से फूड कलेक्ट करती है उसके बाद वो क्या करती है वापस से स्काई में चली जाती है इन मिस्टीरियस वे एंड द लेबोनम इज रिड्यूस्ड टू साइलेंस एंड एप्टीनेस एम्प्टीनेस अगेन तो क्या होता है जब तक बर्ड वहाँ पे है तब तक वहाँ पे बहुत सारी मूवमेंट्स हैं शोरगुल है नॉइजेज हैं पंख फटफड़ाने की आवाज़ें हैं चहचहाहट है लेकिन जैसे ही वो बर्ड स्काई में चली जाती है वापस से क्या हो जाती है वहां पे एम्टीनेस आ जाती है साइलेंस आ जाती है दस द लेबानम ट्री प्लेज सेंट्रल रोल इन द पोएम द लेबानम टॉप द लेबानम टॉप जो पोएम है इसका मेन uh, रोल आप कह सकते हैं सेंट्रल रोल कौन पे कर, प्ले करता है लेबानम ट्री सो नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ वेट दोए एजर पोएसिडेट का मतलब होता है क्लियर बाई एक्सप्लेनिंग इट तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि लेबानम टॉप जो पोएम है वो एक नेचर पोएम है एक प्रकृति से रिलेटेड पोएम है सो द लेबानम टॉप इन विच द लेबानम सिम्बोलाइज हार्डशिप इन लाइफ जो लेबानम ट्री है वो किसको सिम्बोलाइज करता है हार्डशिप्स हार्डशिप्स यानी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं हमारे सामने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं द पोएम डिस्क्राइब्स द लेबानम ट्री हु सीड्स हैव नॉट ओनली फॉलन बट ऑल्सो द लीव्स हैव टर्न्ड हैलो केवल उसके यानि कि सारी चीज़ें उसका साथ छोड़ छोड़ के चली गई यू कैन से क्योंकि बर्ड्स जो उसके लीव्स हैं वो भी येलो हो चुकी हैं यानी कि अब गिरने वाली हैं मे बी एंड जो उसके सीड्स हैं वो ऑलरेडी गिर चुके हैं इट इज एन आफ्टरनून इन से मंथ है दोपहर का टाइम है, है ट्री टॉप जो है वो बहुत साइलेंट है गोल्ड फिंच अपीयर्स जब तक वो गोल्ड फिंच बर्ड वहाँ पे नहीं आती वो क्या है वो पूरा का पूरा ट्री जो है बहुत साइलेंट है एज सुन एज जैसे ही गोल्ड फिंच अपियस देर सडन स्ट्रॉग ट्रेमर इन द्री ट्री क्या है उसमें मूवमेंट होनी शुरू होती है देर आर नॉइज ऑफ ट्विचिंग ऑफ विंग्स एंड चर्पिंग इन बर्ड लैंग्वेज और बर्ड अपनी लैंग्वेज में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं चहचहा रहे हैं द होल ट्री ट्रैम्बल्स और पूरा का पूरा पेड़ जो है वो शेक करने लग जाता है हिलने लग जाता है एक तरह से जान आ जाती है पेड़ में द इंजन ऑफ द बर्ड्स फैमिली हैज अपियर्ड दैट दैट इज द मदर गोल्ड फिंच हैज ब्रॉट फूड फॉर हर बेबीज तो ये एक कैसा लगता है एक इंजन की तरह लगता है क्योंकि जो बर्ड है वो क्या करती है अपनी बेबीज़ को फूड वहाँ पे देती है फीड करती है तो क्या करता है वो एक एक इंजन की तरह लगता है द मूवमेंट ऑफ गोल्ड फिंच इज़ लाइक अ लिजर्ड स्लीक एंड स्मूथ जो मूवमेंट है गोल्ड फिंच की वो किस से compare की गई है वो कंपेयर की गई है एक लिजर्ड से जो कि स्लीक यानी स्मूद है शी इज द इंजन ऑफ हर फैमिली जो गोल्ड फिंच बर्ड है वो क्या है अपनी फैमिली के लिए एक इंजन की तरह है क्योंकि वो अपनी फैमिली को फूड दे रही है विच मीन्स शी इज़ वर्किंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फैमिली जस्ट लाइक द इंजन इज द मेजर पार्ट ऑफ अ मशीन वो अपनी फैमिली को उसी तरह फूड एंड न्यूट्रिशन दे रही है जैसे एक इंजन क्या करता है एक अपनी मशीन का मेजर पार्ट होता है तो बिना इंजन के मशीन चल नहीं सकती वैसे ही बिना मदर के बेबीज कैसे सर्वाइव करेंगे इन द एंड और अंत में अगर हम देखें द गोल्ड फिंच अगेन लॉन्चेज हर सेल्फ इन द स्काई और लास्ट में गोल्ड फिंच जो बर्ड है वो अगेन कहाँ चली जाती है स्काई में एक मिस्टीरियस वे से देन लेबानम इज रिड्यूज टू साइलेंट एंड एप्टीनिस एम्टीनिस मतलब खालीपन आ जाता है साइलेंट हो जाता है ट्री वंस अगेन जैसा पहले था वैसा ही हो जाता है एंड द पॉइंट हैजन द नेचुरल एलिमेंट लाइक द लेबानम ट्री और पॉइंट ने क्या किया है यहाँ पे टेड ह्यूज ने नैचुरल एलिमेंट्स का यूज किया है कौन कौन से है वो नेचुरल एलिमेंट जैसे कि लेबानम ट्री है गोल्ड फिंच बर्ड है क्या करने के लिए इन ऑर्डर टू द पोयम यानी कि पोयम को क्या करने के लिए एस्थेटिसाइज मतलब क्या होता है एक ब्यूटी प्रदान करना क्या करने के लिए नेचुरल ब्यूटी देने के लिए किस चीज़ की उसने ब्यूटी दी है अपनी पोयम को विद टेंस ऑफ नेचुरल ब्यूटी टेंस मतलब आप कह सकते हो कलर कह सकते हो रंगत कह सकते हो है ना तो उसको एक नेचर का पुट दिया है the presence of the tree itself from the beginning to the end has kept the existence intact throughout ab kya hai jo presence hai tree ki starting se leke end tak wo kya hai apne aap mein complete hai uh, intact uh, का मीन्स आप कह सकते हैं कंप्लीट या नॉट डैमेज मतलब पूरी तरह से उसका एग्जिस्टेंस है ट्री का अस्तित्व है पूरी तरह से स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम ट्री पाते हैं वहाँ पे सो इट कैन बी वेल कंसिडर्ड एज अ नेचर पोएम तो वो सारे एलिमेंट्स जो एक नेचर पोएम में होने चाहिए वो यहाँ पे पॉइंट ने ऐड किए हैं सो स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे कनेक्टेड